إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. सजाए देंगे वो अल्लाह जिसका नाम जिंदगी में दुनिया भर में आपने एक बार भी नहीं लिया। नरम गरम मोटे बिस्तर में हमेशा सोते रहे, अल्लाह को कभी याद नहीं किए। हम तो जिंदगी भर टूटी फूटी चटाई में चादरों में अपनी जिंदगी गुजार दी, तुम तो मोटे मोटे बिस्तर में सोए, अल्लाह को याद नहीं किए। हम तो हमेशा अल्लाह को याद करते रहे, इसलिए मैं हंस रही हूँ। आए बादशाह, मैं ये घंटा तुम्हारी नरम गरम बिस्तर में सोने से मुझे इतनी सजाए मिली, अब तुम बताओ कि अल्लाह तुम्हें कितने सजाए देंगे। बादशाह के दिल में ईमान गैरत जाग गए, बादशाह के दिल में ईमान पैदा हो गया, ईमान में तरोताजा आ गए, बादशाह का ईमान ताजा हो गया और कहने लगा, ओ मेरी बेटी, आज के बाद से तुम मेरी खादिमा नहीं बल्कि आज के बाद से तुम मेरी बेटी हो। ओ खादिमा, तुम्हारे इस जुमले ने मुझे झजोड़ दिया है, तुम्हारे इस कॉल ने मुझे झजोड़ दिया है। आज के बाद से मैं कभी इन नरम गरम बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, मैं अपने बीवी बच्चे को छोड़कर जंगल की तरफ रवाना हो जाऊंगा और जंगलों में पत्ते खाकर, जंगल के पत्ते चिबा चिबा कर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। आज के बाद से इन मोटे बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, एक छोटी सी चीजों पर दिल की दुनिया बदल जाया करते थे मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हम और आप है कि सुनने के गाजी है, किरदार के गाजी नहीं। एक छोटे जुमले ने उनके दिलों को झजोड़ दिया और वो बादशाह जो हमेशा इन मोटे नरम गरम बिस्तर पर सोया रहता था, लेकिन उन्होंने वादा कर लिया कि जंगल में अपनी जिंदगी गुजारो बसर कर लूंगा, जंगल में पत्ते खा कर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ खसूसियात है। इसी को तो कुरान में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम। आए लोगों, आए मर्दों, तुम्हारे सामने अगर कोई गरीब इंसान आ जाए, तुम्हारे सामने अगर कोई मामूली इंसान आ जाए तो तुम उसका मजाक ना उड़ाओ। कोई पागल किस्म का इंसान भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसका मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि हो सकता है आसा अयकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है वो तुमसे ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि कौन अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है, तुम जानते नहीं हो कि कब किसको अल्लाह माफ़ कर दे, तुम जानते नहीं हो कि कब अल्लाह किसको जन्नत ही कर दे। मेरे प्यारे साथियों, कोई इंसान अगर इस दुनिया में चाहे कि हमने नमाजें पढ़ी, हमने रोजे रखे, हमने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, हमने दुनिया में इतनी अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह हमें जन्नत देकर ही रहेगा, नहीं नहीं, अल्लाह तो अपने रहमो करम से हमें जन्नत देगा, अल्लाह हमें अपने रहमो करम से हमारे गुनाहों को बख्शेंगे। और इसी चीज को तो जुमले में कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूबा। ऐ अल्लाह, हमने अपने नफ्स पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर बहुत बड़ा गुनाह किया है, या अल्लाह तू अपने रहमो करम से हमें माफ कर दे। अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन ऐ इंसानों, हम ये कहेंगे कि नमाज पढ़कर हम अपने गुनाहों की बख्शिश करा लेंगे, हम रोजे रखकर अपने गुनाह की बख्शिश कर लेंगे, नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों, हम अपने रहमो करम से इंसान को माफ करेंगे। लिहाजा ये तसव्वुर ना करो और किसी इंसान को देखकर जन्नती और जहन्नमी का फैसला ना बनाओ। वो औरत जो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी और फर्ज की नमाज भी अदा किया करती थी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा पड़ोसी के साथ क्या हुस्ने सुलूक है, लोगों ने बताया ये अपने पड़ोसी को हमेशा गाली दिया करते हैं, ये अपने पड़ोसी को हमेशा तकलीफ दिया करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो औरत तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो गए, तुम्हारी नमाजें खत्म हो गए, जिन्होंने इस दुनिया में किसी इंसान का हक अदा नहीं किया, जिन्होंने इस दुनिया में किसी पड़ोसी का हक अदा नहीं किया, उनकी नमाजें कोई काम नहीं देंगे।
देंगे, उनकी इबादतें कुछ काम नहीं देंगे। इसलिए आए इंसानों, किसी इंसान को भूलकर तकलीफ नहीं देना, किसी इंसान को भूलकर चोट ना पहुंचाना, ठेस ना पहुंचाना, नमाज ख़त्म हो जाएगी, तहज्जुद की नमाज चली जाएगी। लेकिन एक औरत ऐसे भी गुजरे है जो हमेशा तो तहज्जुद की नमाज अदा नहीं कर पाती थी, लेकिन फर्ज नमाज अदा करती थी, लेकिन पड़ोसी को कभी तकलीफ नहीं दिए है, पड़ोसी को कभी सताया नहीं है। अल्लाह के नबी के सामने जब इसका तज़किरा किया गया, आपने फरमाया या औरत जन्नती है, या औरत जन्नती है जिसने अपने पड़ोसी को कभी तकलीफ नहीं दी है। ओ लोगों, जन्नत कब किसके मुकद्दर में बन जाए, हम इंसान नहीं है किसी के हाथ में फैसला करने वाले कि किसी की एक बुराई देखकर हम उसको ये कह दें कि तुम जहन्नमी, किसी के एक नेकी देखकर हम ये कह दें कि तुम जन्नती, हम ये फैसला करने वाले नहीं है, ना ही हमारे इख्तियार में है। कब अल्लाह किसको जन्नती कर दे, कब अल्लाह किसको जहन्नमी कर दे। इसलिए इंसानों, किसी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो मामूली सी नेकी क्यों ना हो। ओ लोगों, एक ऐसी औरत भी थी जो तवाइफ थी, एक ऐसी औरत भी थी जो बदचलन थी, जब उनके सामने कुत्ता अपनी जुबान निकले हुए उनके सामने अपिया की हालत में दौड़ता हुआ आया, उस औरत ने अपनी ओढ़नी को, अपने दामन को कुएं में डाल दिया और पानी उठाकर उसको निचोड़ करके उसके जुबान में डाल दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये औरत जन्नती है। लेकिन एक औरत जिन्होंने के बिल्ली को बांध कर रखा और तरपा तरपा कर मार दिया, उसको खाना नहीं खिलाया, मेरे प्यारे साथियों बांध कर रखा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये औरत जहन्नमी है। इसलिए इंसानों, किसी की छोटी सी नेकियां और किसी की छोटी सी गलतियां देखकर आप ये ना कहें, आप ये भी ना कहें कि इसने बहुत बड़ी नेकियां की तो ये जन्नती है, इसने बहुत सारे गुनाहें किए हैं तो ये जहन्नमी है। कब अल्लाह किसके आमाल से खुश हो जाए, कब अल्लाह किसको जन्नत दे दे। इसलिए ये इख्तियार में नहीं है कि कौन इंसान क्या करता है नहीं करता है, हम उसके पीछे पड़े रहे। आए इंसानों, कुरान ये कहता है लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है। कोई इंसान अगर इस दुनिया में बुराई करता है, हमें उसको समझाना चाहिए, उसके पीछे पड़ जाना नहीं चाहिए, और किसी इंसान से नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी उस बुराई से नफरत करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां ना निकले, जिसके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां ना निकले। अगर आप किसी इंसान की बुराई देखकर उससे नफरत करेंगे तो दुनिया में फिर कोई ऐसा इंसान नहीं बचेगा जिससे आप नफरत ना करें। इसलिए किसी इंसान से नफरत ना कीजिए, बल्कि उसके बुराई देखकर नफरत कीजिए। आए लोगों, और ये सोचते रहिए उसके लिए उसका आमाल है, हमारे लिए हमारा आमाल है। हमें माँ के पेड़ से इस दुनिया में अकेला आना पड़ा है और कब्र के अंदर भी अकेला जाना है। कुल्लु बाबिन दाखिलुहु, मेरे प्यारे साथियों, अल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कब्र एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर तमाम इंसानों को दाखिल होना है और अकेले अकेले दाखिल होना है, अपने अपने आमालों का हिसाब किताब देना है। इसलिए किसी इंसान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और ये हमेशा सोचते रहना चाहिए कि हो सकता है ये हमसे ज्यादा बेहतर हो सकता है ये हमसे ज्यादा नेकियां करने वाले हो सकता है कि अल्लाह के नजदीक ये सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, क्योंकि अल्लाह ने क्लियर कह दिया कि लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है। लिहाजा इंसानों, किसी को इस दुनिया में हकीर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान के कपड़ों के अंदर एक मजबूत शेर छुपा हुआ रहता है, इसीलिए तो बिलाल जो काले कलूटे हबसी कोयले से भी ज्यादा काला, लेकिन अल्लाह के नबी उसको अजान देने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। और जन्नत के अंदर जब आप गए, आपको मेराज कराए गए, आपने जन्नत में बिलाल की आवाज, जूते की आवाज सुनी, अल्लाह के नबी दुनिया में आए, सहाबा के अंदर ऐलान किया, आए लोगों बिलाल के अंदर वो कौन सी खूबी है जिसकी वजह से बिलाल की जूते की आवाज जन्नत में सुनाई दे रहे। बिलाल ने कहा, सब ने कहा कि बिलाल इस दुनिया में जब वजू से रहता है, जब बिलाल वजू करता है, जब उनका वजू टूट जाता है, फिर दोबारा बिलाल वजू कर लेता है, गोया के बगैर वजू के बिलाल नहीं रहते हैं। ये बिलाल की खूबी है जिसकी वजह से जन्नत में बिलाल की जूतों की आहट सुनाई देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये सुनना था कि पूरे लोग सहाबा इकराम आपस में कहने लगे, बिलाल आप हमारे घर जाइए, हमारे घर में एक बेटी है, खूबसूरत बेटी है, आप उनसे निकाह कर लीजिए, आप उनसे रिश्ता कायम कर लीजिए। इसी चीज का तो नाम है इस्लाम कि किसी अरब के रहने वाले को अजम के रहने वालों पर फजीलत नहीं, किसी
काले को गोरे पर फजीलत नहीं, किसी बड़े को छोटे पर फजीलत नहीं, किसी बिहारी को किसी झारखंड वाले पर फजीलत हासिल नहीं है। अगर किसी को किसी पर फजीलत हासिल है, अल्लाह के नजदीक अगर कोई बड़ा है तो तक्वा के लिहाज से बड़ा है, वो मुत्तकी और ईमानदार के लिहाज से बड़ा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जात बिरादारी पर फख्र मत कीजिए, जमाना जाहिलियत की रिवायत की जमाना जाहिलियत का रिवायत अख्तियार मत कीजिए। कुछ लोग आज दीनी चीज को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, ये दीनी चीज और दुनियावी चीज को हम ये कहते हैं कि इसको दुनियावी चीज मजाक उड़ा रहे हैं। हम इस तरह आलिम हैं, वो इस तरह आलिम है, हम उनसे बड़े हैं, लेकिन कभी अपने जमीन पर छाक कर नहीं देखा कि हमारे अंदर क्या है। टाइटल मिलना से, टाइटल मिल जाने से कोई इंसान बड़ा हो जाता है? टाइटलों पर लोग नाश करने वालों, कुरान और हदीस का जनाजा निकाल रहे हो। किसी इंसान को टाइटलों पर नाश नहीं करना चाहिए, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो कारी हो, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो मुत्तकी हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर टाइटल पर नाश करता है वो कुरान और हदीस का जनाजा निकाल रहे हैं। उसके अंदर क्या है नहीं है खुद उसको पता नहीं है, लेकिन टाइटलों पर नाश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए फख्र और गुरूर अपने दिलों के अंदर से निकाल दीजिए। दो दिन मंत्र पढ़ के मैं अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करूंगा कि अग्नि मिले पुरोहितम यजनस्य दिवम। आदमी नहीं आओ क्या बोले भाई, दस पंद्रह मिनट चला देते हैं। अग्नि मील पुरोहितम यजनस्य दिवम ऋतुजम होतराम रतन धादमम। ये मंत्र का पहला श्लोक जो हमें और आपको ये बता रहे हैं कि जब भी कुछ करो उस ईश्वर के नाम से करो, उस अल्लाह के नाम से करो जो सबसे पहले हैं। सबसे पहले अल्लाह के नाम से करो, ईश्वर के नाम से करो। दुनिया के अंदर जब मुसलमान कुछ काम करता है, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, मुसलमान की नहीं, चलिए मुसलमान की बात नहीं करता हूं, इस्लाम की बात कर रहा हूं। कोई मुसलमान अगर नमाज पढ़ने के लिए जाए तो अल्लाह का नाम से नमाज को शुरू करता है, जब वजू करने के लिए बैठे अल्लाह के नाम से वजू शुरू करता है। दुनिया के अंदर कोई आदमी जब बिस्तर पर सोने के लिए जाता है तो अल्लाह के नाम से सोता है, जब जागता है तो अल्लाह का नाम लेकर जागता है। यहाँ तक के आए लोगों, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने जब बिलकिस को खत लिखा तो इस खत का भी आगाज इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह के नाम से इस खत का भी आगाज किया। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर वो चीज किसी धर्म के अंदर मिलता है, किसी मजहब के अंदर मिलता है, वो एक महज धर्म है, वो फकत इस्लाम है जो हमेशा इंसान को अल्लाह के नाम से जोड़ता है। और ये कहता है इंसानों जब भी कुछ काम करो तो अल्लाह के नाम से शुरू करो। यहां तक इंसान जब अपनी बीवी से मिलता है, जिमा करता, हम भी स्त्री करता है, तो उस वक्त भी अल्लाह को अल्लाह का नाम लेता है। और अल्लाह ये फरमाता है जब कुछ भी करो, इबादत करो, तो ये समझो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो। जब भी कुछ करो ये समझो, अपने दिल में गुमान रखो कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं। ये तसव्वुर ना कर सको तो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह हमें देख रहा है। आए लोगों, ये मंत्र का श्लोक हमें और आपको ये बता रहा है कि जब भी कुछ करो उस ईश्वर के नाम से करो जो सबसे पहले है। इस दुनिया में हमने ईसा से पहले किसी का तज़किरा देखा, राम से पहले किसी इंसान का तज़किरा देखा, हमने राम से पहले किसी बड़े हस्ती का तज़किरा देखा, लेकिन अल्लाह की ज़ात से पहले किसी चीज का हमने तज़किरा, किसी चीज का हमने नाम नहीं सुना। देखिए दुनिया में बड़े से बड़ी हस्ती आए, कोई भी इस दुनिया में महान पुरुष आए, उनसे पहले किसी, अगर बेटा आया तो उसके बाप का जिक्र मिलता है, बाप आया तो दादा का जिक्र मिलता है, दादा आया तो परदादा का जिक्र मिलता है। लेकिन इस मंत्र में कह रहा है कि उस अल्लाह के नाम से शुरू करो जो सबसे पहले है। अगर पहले किसी जात का पता चलता है तो वो अल्लाह ताला की जात है। आए लोगों, आसमान बनाने से पहले, जमीन बनाने से पहले, इंसान और जिन्नात को इस दुनिया में आबाद करने से पहले, इंसान का वजूद होने से पहले भी अगर किसी जात का पता चलता है तो अल्लाह ताला है। एक आदमी ने सवाल कर दिया कि अल्लाह है तो अल्लाह कहां है,
अल्लाह का चेहरा किस तरफ है सवाल कर दिया, अब जवाब कैसे देंगे? कोई अगर पूछे लोगों अल्लाह का चेहरा है तो अल्लाह किधर है, अल्लाह का चेहरा किधर है, अल्लाह है तो अल्लाह का चेहरा किधर है? कोई ईसाई पादरी मजोसी यहूदी अगर आपसे सवाल करे अल्लाह अल्लाह चिल्लाते रहते हो, अल्लाह अल्लाह का नाम लेते रहते हो, लेकिन बताओ अल्लाह है तो कहां? हुवा रहमान वाल अर्श इस्तवा, वो अल्लाह तो अर्श पर मुस्तवी, अल्लाह का चेहरा किधर है ये बताओ? आप ये कहना अल्लाह नूर समावात वल अर्श, अल्लाह तो एक रोशनी के मानिंद है, और अगर चारों तरफ बाउंड्री हो, चारों तरफ गोल दायरा हो, उसके बीच के अंदर स्टेडियम जैसे घर बना दिए गया हो, स्टेडियम जैसे एक दीवार खड़ी कर दी गया हो, और उसके बीच में एक चिराग अगर रख दिए जाए, उनकी रोशनी चारों तरफ फैलेगी, पता नहीं चलेगा कि इनकी रोशनी किधर है, गोया कि वो पूरब की तरफ भी उसकी रोशनी दिखाई देगी, पश्चिम की तरफ भी उसकी रोशनी दिखाई देगी, हर सिमत में हर जानी में उसकी रोशनी फैले हुए रहेंगे। इसलिए कोई अगर सवाल करे कि अल्लाह का चेहरा किधर है, तो आप डायरेक्ट ये बता देना अल्लाह का चेहरा, अल्लाह नूर है, उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह का चेहरा किधर है, जवाब हो गए। दुनिया में सबसे पहले अल्लाह है अल्लाह, और सबसे आखिर में अल्लाह रहेंगे। ये जमीन फना हो जाएंगे, आसमान फना हो जाएंगे, चांद सितारे सब बेनूर हो जाएंगे, लेकिन किसी चीज की अगर बाकी रहने का जिक्र मिलता है तो अल्लाह ताला है। दुनिया में सब फना हो जाएंगे, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सारी चीजें फना हो जाएंगे लेकिन रब का चेहरा बाकी रहेगा। यहां तक के इंसान ये देखेगा कि लोग मैदान महशर की तरफ जाएंगे, जिस माँ के पेट में बच्चा है वो बच्चा कब गिर जाएगा, माँ को होशबाश नहीं रहेगा, दूध पिलाने वाली माएं अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएगी, सिर्फ रब का चेहरा बाकी रहेगा, रब की जात बाकी रहेगी। ये मंत्र हमें और आपको वही पैगाम दिए, मही देवस से सभी तू परिष्टुति, महान हे हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसाएं हैं, जिसके लिए सारी की सारी तारीफें हैं। बताओ दुनिया के अंदर क्या किसी इंसान की सारी के लिए सारी तारीफें हैं, किसी हस्ती के लिए सारी की सारी तारीफें हैं? नहीं। दुनिया में कोई इंसान अगर किसी की मदद कर सकता है तो दूसरी की नहीं कर सकता है, लेकिन वो अल्लाह सारी की सारी तारीफें उसी के लिए है जो एक इंसान को भी खाना खिलाता है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। एक रोशनी सूरज के जरिए एक हिंदू के घर में भी पहुंचाता है, एक मुसलमान के घर में भी पहुंचाता है। जो सूरज किसी को ये नहीं देखता कि कौन अल्लाह को याद कर रहा है, कौन अल्लाह का नाम ले रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अल्लाह की तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। वसुर दयामाना, वह ईश्वर बड़े राम करने वाले हैं, बड़ा कृपालु है, बड़ा दयाबान है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा एक गुलाम है, हमने उसको बाजार भेजा, हमने उसको भागलपुर कहलगांव बाजार भेजा और कहे मेरे गुलाम मैंने तुम्हारे हाथ में 100 रुपया दिया, जाओ हमारे लिए कुछ सामान खरीद के लेके आओ। वो गुलाम जाएगा और सामान खरीद कर लेके आएगा, लेकिन रास्ते में चोरों ने डकैतों ने लुटेरों ने उसका माल लूट लिया। वो बादशाह के पास आया, बादशाह कहेंगे जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया, पहली बार माफ कर दिए, दूसरी बार गए पैसा गुम कर दिया, बादशाह ने माफ कर दिया, तीसरी बार गए पैसा फिर कोई चुरा लिया, या फिर उन्होंने अपने पास रख लिया, झूठ मूठ का बहाना बना लिया और बादशाह से कह दिया ओ मेरे आका ओ मेरे मालिक मैंने अपने पैसे को फिर से गुम कर दिया। बादशाह कहेंगे नहीं नहीं आप तुम्हारी खैरियत नहीं, मैंने तुमको पहली बार माफ किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार माफ करने वाला नहीं हूं। लाओ वो 100 रुपया भी लाओ, वो 200 रुपया भी लाओ, वो 500 रुपया भी लाओ, जितने मैंने तुमको दिया सारे पैसे लेके आओ। दुनिया में कोई इंसान किसी को माफ नहीं कर सकता है, लेकिन कोई अगर जात है तो अल्लाह ताला है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए कोई इंसान अगर इस दुनिया में गुनाह करके इस तरह उनकी नियत और सोच पैदा हो गए हैं कि अल्लाह हम तो जिंदगी भर गुनाह करते आए, क्या आप तेरे सामने मुंह दिखाओ, ये अल्लाह तू तो हमको माफ नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। अल्लाह कहता नहीं, मैं गफूर रहीम हूं, वसुर दयामाना, मैं रहम करने वाला हूं, अपने कृपा से अपने दयालु से अपने दयावान मैं हूं, मैं माफ कर सकता हूं। रात के अंधेरे में
रात की तारीखी में रफा यदै इलस समा, अपने दोनों हाथों को आसमान के ऊपर उठाइए, अल्लाह से गिर गिराइए। अल्लाह फरमाता है हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। या अय्युल लदीना आमनू तूबु इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अय्युकफ्फिरुकुम सय्यातिकुम वयदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह फरमाता है उम्मीद है हो सकता है मैं तुम्हारे इन गुनाहों को माफ कर दूं। इसलिए अगर आप गुनाह करके करके अपने दिल को मुर्दा कर चुके हैं और आप ये सोच रहे कि हमारे इन गुनाह को अल्लाह माफ नहीं करेंगे, नहीं, आप आज ही अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देंगे। रब पर भरोसा रखिए। दुनिया में रब के अलावा कौन है जो हमारी शुभकामना हमारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है? यचित यो यो पिम्बा नस्तस्मा देवी सोरी रिसा यचित यो यो यचित यो यो मांगो उसी से, वही है सब कुछ देने वाला, कोई देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। उद्उनी अस्तजीब लकुम मांगो मुझी से मैं तुम्हें सब कुछ देने वाला हूँ। एक सहाबी एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है अल्लाह के नबी रास्ता काफ़ी दूर है, रास्ते में जंगली जानवर भी है, जंगली जानवर का खतरा है, वहाँ से जानवर चीर फाड़ कर डालते हैं, रास्ते में जंगली जानवर का खतरा है, आप हमें मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। आपने कहा आए मेरे सहाबी आए फला, जब रास्ते में तुम्हें मदद की जरूरत पड़ जाए, इजा साल तफस अल्लाह, जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगना। वही जस्तान तफस्तई बिल्ला, और जब तुम्हें किसी चीज की मदद पड़ जाए, मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मदद तलब करते रहना, सब कुछ अल्लाह तुम्हें देने वाला है। आए लोगों एक वाकया बताकर मैं आपके सामने रुख्सत ले रहा हूँ। तीन आदमी दरिया का सफर कर रहा था, एक मुसलमान एक ईसाई एक हिंदू भाई, तीन आदमी दरिया का सफर कर रहा था, बीच रास्ते में गए नाव और कश्ती हिलडुल करने लगे। इतने में मुसलमान ने पुकारा, इतने में मुसलमान ने अल्लाह को याद किया और अल्लाह को पुकारा, अस्मल्लाहम संकट मोचन, अस्मल्लाहम है संकट मोचन, ऐश्वर तू हमें इस मुसीबत से बचा ले, ये जो कश्तियां और नाव हिलडुल कर रही है अल्लाह तू हमें बचा ले। अल्लाह ने उस मुसलमान को बचा लिया। फिर ईसाई ने कहा आए गॉड ओ माई गॉड प्लीज हेल्प मी, और ईश्वर तुम मुझे बचा ले। ईसाई को उसके रब ने बचा लिया। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई थे उन्होंने कभी ब्रह्मा का नाम लिया, उन्होंने कभी राम का नाम लिया, उन्होंने कभी श्याम का नाम लिया, उन्होंने कभी सीता का नाम लिया। मेरे प्यारे साथियों कोई मदद करने के लिए नहीं आए और वो जमीन के अंदर नदी के अंदर पानी के अंदर डूब कर मर गए। पुनर्जन्म उनकी किताबों में पुनर्जन्म पुन मनी फिर आहमने वजूद में आना पुनः पुनः पुनर्जन्म जन्म मने वजूद में आना पुनः मने फिर से जन्म मने वजूद में आना दोबारा जन्म उनका होता है। इस दुनिया में आवागमन होता है कि कोई भैंस की शक्ल में कोई भैंस की शक्ल में कोई बिल्ली की शक्ल में जो जैसा अमल करेगा इस दुनिया में उसको आवागमन किया जाएगा, योनी के अंदर उसके रूह को डाला जाएगा। लेकिन पुनर्जन्म जब उसको इंसान बनाया जाएगा अच्छे करतूत की वजह से, वो इंसान अच्छे करतूत की इस दुनिया के अंदर और उसको इंसान का जन्म मिल गया। जब इंसान का जन्म मिला सारे देवी देवता उनके पास आ गए और सवाल करने लगे आए लोगों आए फला बताओ दुनिया के अंदर तुमने कौन से अच्छे अमल किए थे जिसके बदौलत ईश्वर ने तुम्हें इंसान का जन्म दिया, तुम्हें बिल्ली का जन्म नहीं दिया, भैंस का जन्म नहीं दिया, तुम्हें कुत्ते का जन्म नहीं दिया, बल्कि इंसान का जन्म दिया। वो आदमी कहता है चल हट मुझे क्या मेरी मदद करने और क्या मेरे सुनने के लिए आ गए, इतने रहने के बावजूद भी मेरी मदद न कर सके। मेरे प्यारे साथियों फिर उन सबने बताया मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या खाओ हिंदुस्तान के गुनगांव पाकिस्तान गए राम का नाम लिया, राम मदद करने के लिए आ ही रहे थे, इतने में फिर सीता का नाम लिया। अब ये बताओ तुमने राम का नाम लेना छोड़ दिया और सीता का नाम पुकारना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे साथियों बताओ तुमने राम का नाम लेना छोड़ दिया तो राम तुम्हारी कैसे मदद करेंगे। सीता तुम ये बताओ तुम तो आखिरी तुम्हारी आखिरी बार तुम्हारा नाम लिया गया था लेकिन सीता